हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑन। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे क्या जॉन सीना एंड द अंडरटेकर दोनों सुपरस्टार क्या हमें दिखाई देंगे रेसलमेनिया 35 में, और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रोमन रेंस का कैंसर रियल था या फेक। तो गाइस, अगर आप इन दोनों बातों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस की। तो गाइस, रिसेंटली रोमन रेंस का एक इंटरव्यू हुआ था ESPN पर, जहां उनके रिटर्न से रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया क्या आप नर्वस थे जब आपने अपना रिटर्न किया WWE में फिर से। तो गाइस, रोमन रेंस का कहना था, जब मैं अपना रिटर्न करने वाला था उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और मुझे डर लग रहा था कि क्या WWE मेरी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मैंने आखिर इतनी जल्दी भी अपना रिटर्न कैसे कर लिया। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर कोई इंसान को कैंसर हो तो उसका इतनी जल्दी रिटर्न करना काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ा अचंभित लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इससे इतनी जल्दी बाहर निकलना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन रोमन रेंस ने ऐसा कर लिया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी भी लग रहा है कि एक स्टोरी लाइन का एंगल है या फिर ये कैंसर फेक है। तो गाइस, मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोई फेक बात नहीं है, ये एकदम रियल कैंसर था। और रोमन रेंस का भी यही कहना था कि उनका कैंसर रियल है, और उन्होंने कहा जब उन्होंने अपना रिटर्न किया तो WWE यूनिवर्स ने उनकी इस बात को माना और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। वेल गाइस, आपका क्या कहना है रोमन रेंस को कैंसर के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपको क्या लगता है रोमन रेंस का कैंसर रियल था या फेक। तो गाइस, अपनी अगली अपडेट पे चलते जो कि जुड़ी है द जॉन सीना एंड द अंडरटेकर से। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं इन दोनों सुपरस्टार का स्टेटस वगैरह WrestleMania 35 में, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है या, और हम सब ये नहीं जानते कि क्या ये दोनों सुपरस्टार हमें WrestleMania 35 में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे या नहीं। तो गाइस, इसी पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि एलायस अपना एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं रॉक एपिसोड में भी एलायस ने बताया था कि कोई एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं WrestleMania 35 में। तो इसी पर अपडेट आई है कि हो सकता है जॉन सीना एंड अंडरटेकर में से कोई एक सुपरस्टार एलायस को इंटरप्ट करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से किसके ज़्यादा चांस हैं इंटरप्ट करने के, तो सबसे ज़्यादा चांस हैं जॉन सीना के। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना के ज़्यादातर चांस हैं। और वही बात करें हम अंडरटेकर की, तो उनके काफ़ी कम चांस हैं। हो सकता है अंडरटेकर WrestleMania में आए, लेकिन अभी उनके काफ़ी कम चांस है। और पॉसिबली वो अगर WrestleMania में आते हैं तो वो काफ़ी शॉकिंग बात होगी। लेकिन गाइस, WrestleMania में अगर वो नहीं आए तो वो एक ही पेपर व्यू में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था WrestleMania के बाद WWE का शो होने वाला सऊदी अरेबिया में, तो पॉसिबली अंडरटेकर हमें वहाँ दिखाई दे सकते हैं। तो वैसे यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट्स में आप मुझे बताइए आपके क्या थॉट्स हैं अंडरटेकर जॉन सीना को लेकर। साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी अपडेट, न्यूज़, रूमर्स जानने को मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।